नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे यूपीएससी या आईएएस का प्रारंभिक परीक्षा का पेपर फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं 2013 तक का, 11 से लेकर 2013 तक के प्रारंभिक परीक्षा का पेपर फर्स्ट देख चुके हैं सामान्य अध्ययन का। याद रखिए, यूपीएससी या आईएएस से संबंधित जितने भी हमारे लेक्चर बनते जा रहे हैं वो सभी आईएएस प्लेलिस्ट सूची में डले हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं 2014 का प्रारंभिक परीक्षा का पेपर फर्स्ट। याद रखिए, टेस्ट बुकलेट सीरीज ये है, इसमें 2 घंटे का समय मिलता है हमें, 200 नंबर का रहता है, 100 क्वेश्चंस रहते हैं इसमें। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले हम बता दें आपको कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है कि गलत है उसका आंसर, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उसका आंसर थोड़ा डिटेल के साथ लिख दें, जिससे दूसरे को सही आंसर पता चल सके। क्योंकि मेरी हर संभव कोशिश रहती है कि आप लोगों को सही ही आंसर बताएं। अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है, कहीं भूल हो जाती है, तो उसका सही सुधार कर कमेंट बॉक्स में लिख दें। ठीक है, लेकिन मेरी तरफ से 100% पूरी कोशिश रहेगी कि सही ही आंसर बताया जाए आप लोगों को। ठीक, चलिए तो पहला क्वेश्चन है हमारा, गन्ना उत्पादन के एक व्यवहारिक उपागम का, जिसे धारणीय गन्ना उत्क्रमण के रूप में जाना जाता है, क्या महत्व है? तो पहला कथन है इसमें, कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम होती है, इसमें 54 डीप सिंचाई का प्रभावकारी उपयोग हो सकता है, इसमें रासायनिक का कार्बनिक उर्वरकों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता है, कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें अंतरासस्यन कि ज्यादा गुंजाइश है, नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो याद रखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है बी। क्या क्या है इसमें? 1, 2, 4, कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम है, इसमें डीप सिंचाई का प्रभावकारी उपयोग हो सकता है, कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें अंतरासस्यन की ज्यादा गुंजाइश है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की किसी आदभूमि को मोंटियो रिकॉर्ड के अधीन लाया जाए तो इससे क्या अभिप्राय है? तो याद रखना, मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आदभूमि में पारिस्थितिकी स्वरूप में परिवर्तन हो गया है, हो रहा है या होना संभावित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो याद रखना है, अंडमान निकोबार। ठीक है, ये ऑप्शन सही है 3 का। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, एक कार्यक्रम परियोजना है, एक मंत्रालय है। ठीक है, तो फोर्थ नंबर में हमारा सही चुनना है इसमें, तो फोर्थ नंबर में होगा कोई नहीं। उपयुक्त युग्मों में से कौन सही है? तो याद रखिए, कोई नहीं है इनमें से। सूखा विकिरण क्षेत्र कृषि मंत्रालय से संबंधित नहीं है, मरुस्थल विकास कार्यक्रम पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, वर्षा पूरित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जल संभार विकास परियोजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। उपयुक्त में युग्मों में से कौन से सही सम्मिलित हैं? तो याद रखना, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 का डी है। क्वेश्चन नंबर 5, बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, यह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है। दूसरा कथन है, यह क्रिया आधारित अनुसंधान शिक्षा एवं लोक जागरूकता के माध्यम से प्रकृति को बचाने का प्रयास करता है। यह आम जनता के लिए प्रकृति खोज यात्राओं एवं शिविरों का आयोजन एवं संचालन करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 5 में 2 और 3 कथन सही है।
यानी कि सी ऑप्शन इसमें सही है, पाँच का सी ऑप्शन सही है। ठीक है, दो और तीन सही है कथन। क्वेश्चन नंबर छः, भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो छः का होगा ए, यह जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर छः का ए आंसर सही। क्वेश्चन नंबर सात, सौर शक्ति उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, प्रकाश वोल्टीय विक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो कि प्रकाश के विद्युत में प्रत्यक्ष रूपांतरण द्वारा विद्युत जनन करती है, जबकि सौर तापीय विक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो सूर्य की किरणों का उपयोग ताप जनित करने के लिए करती है, जिसका आगे विद्युत जनन प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। दूसरा कथन है, प्रकाश वोल्टीय विक्रिया प्रत्यावर्ती धारा का जनन करती है जबकि सौर तापीय विक्रिया दृष्ट धारा का जनन करती है। तीसरा कथन है, भारत के पास सौर तापीय प्रौद्योगिकी के लिए विनिर्माण आधार है किंतु प्रकाश वोल्टीय प्रौद्योगिकी के लिए नहीं है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो हमारा सात का होगा केवल एक, सात का ए ऑप्शन सही है, केवल एक। प्रकाश वोल्टीय विक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो कि प्रकाश के विद्युत में प्रत्यक्ष रूपांतरण द्वारा विद्युत जनन करती है, जबकि सौर तापीय विक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो सूर्य की किरणों का उपयोग ताप जनित करने के लिए करती है, जिसका आगे विद्युत जनन प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एट, निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, उपयुक्त में से किसको सरकार ने सैन्य क्लासिक भाषा के रूप में घोषित किया है? तो याद रखिए आठ का होगा सी, कन्नड़ और तेलुगु को। क्वेश्चन नंबर आठ का सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर नौ, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, दाम्पा, टाइगर रिजर्व मिजोरम, गोमटी वन्यजीव अभयारण्य सिक्किम, सरामती शिखर नागालैंड। याद रखिए इनमें कौन सा सही है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही युग्म? तो याद रखिए नौ का होगा सी, एक और तीन, दम्पा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है और सारामती शिखर नागालैंड में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टेन, दसवां क्वेश्चन, वेटलैंड्स इंटरनेशनल नामक संरक्षण संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला है, यह रामसर अभी समय के हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा बनाया गया एक अंतर सरकारी संगठन है। दूसरा है, यह ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए तथा व्यवहारिक अनुभव का बेहतर नीतियों हेतु पक्ष समर्थन करने के लिए क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है। नीचे दिए गए पुट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो दस का होगा बी, केवल दो, यह ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए तथा व्यवहारिक अनुभव को बेहतर नीतियों हेतु पक्ष समर्थन के लिए क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है। ठीक है, दस का बी होगा। क्वेश्चन नंबर ग्यारह, ब्रिक्स के रूम में ज्ञात देशों के एक समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन री दे जिनरो में 2009 में हुआ, दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स समूह में अंत में शामिल हुआ, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखना है आपको 11 का होगा बी, केवल दो। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स समूह में अंत में शामिल हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन देख लिया, 11 बारवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित रोगों पर विचार करना है, डिप्थीरिया, छोटी माता, चिकन पॉक्स बोलते हैं जिसे, चेचक, स्मॉल पॉक्स, उपयुक्त में से किस रोगों का भारत में उन्मूलन हो चुका है? तो 12 का होगा बी, केवल तीन, चेचक का। ठीक है,
12 का बी है। क्वेश्चन नंबर 13, अगला क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से किस घटनाओं ने जीवों के विकास को प्रभावित किया है? महाद्वीपीय विस्थापन, हिमानीचक, नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो 13 का होगा हमारा सी, 1 2 दोनों सही, ठीक, 13 का सी है। क्वेश्चन नंबर 14, गंगा नदी डॉल्फिन की समष्टि में ह्रास के लिए शिकारी चोरी के अलावा और क्या संभव कारण है? पहला कथन है इसमें नदियों पर बांधों और बराजों का निर्माण, दूसरा है नदियों में मगरमच्छों की समष्टि में वृद्धि, तीसरा है संयोग से मछली पकड़ने के जालों में फंस जाना, चौथा है नदियों के आसपास के फसल खेतों में संश्लिष्ट उर्वरकों और अन्य कृषि रसायनों का इस्तेमाल। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो 14 का होगा सी, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा सी, 1 3 4, क्या 1 3 4, नदियों पर बांधों और बराजों का निर्माण, सहयोग से मछली पकड़ने के जालों में फंस जाना, नदियों के आसपास के फसलों खेतों में संश्लिष्ट उर्वरकों एवं अन्य कृषि रसायनों का उपयोग, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, रेडक्लिफ समिति किस लिए नियुक्त हुई थी? भारत पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए, सी ऑप्शन सही है 15 का। क्वेश्चन नंबर 16, कई घरेलू उत्पाद जैसे गद्दों और फर्नीचरों की गद्दियों में ब्रोमीन युक्त ज्वाला मंदकों का उपयोग किया जाता है, इनका उपयोग क्यों कुछ चिंता का विषय है? पहला कथन है उनमें पर्यावरण में निम्नीकरण के प्रति उच्च प्रतिरोधकता है, दूसरा है वे मनुष्यों और पशुओं में संचित हो सकते हैं, नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो 16 का होगा हमारा सी, 16 का क्या होगा सी, दोनों ठीक है, दोनों सही हैं इसमें कथन। बात करते हैं 17 क्वेश्चन नंबर, नीचे निम्नलिखित पर विचार करना है, चमगादड़, भालू, कृतंक, उपयुक्त में से किस प्रकार के जंतुओं में शीत निष्क्रियता की परिघटना का प्रक्षेपण किया जा सकता है? तो याद रखिए 17 का होगा सी, 17 का क्या होगा सी, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो याद रखना 18 का बी होगा, प्राकलन समिति। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन से पृथ्वी ग्रह पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करता है? ज्वालामुखी, शोषण, प्रकाश संश्लेषण, जैव पदार्थों का क्षय, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो 19 का होगा हमारा सी, 19 का क्या होगा सी, ज्वालामुखी, शोषण और फिर जैव पदार्थ का क्षय, याद रखिए 19 का सी है। क्वेश्चन नंबर 20, यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से होकर गुजरते हैं तो आपको यह देखने को मिल सकता है कि अनेक प्रकार के पक्षी चरने वाले पशुओं भैंसों के पीछे पीछे चलते रहते हैं और उनके घास में चलने से अशांत होने वाले कीटों को पकड़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे पक्षी हैं? चित्रित बालक, बलाक, साधारण मैना, काली गर्दन वाली सारस, नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो 20 में होगा हमारा बी, केवल 2, साधारण मैना। क्वेश्चन नंबर 21, मध्यकालीन भारत में महत्तर और
पट किल पदनाम किस किन के लिए उपयुक्त होते थे? तो याद रखिए ग्राम मुखिया के लिए। 21 का होगा बी। क्वेश्चन नंबर 22, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी सहचर हैं? तो 22 में होगा बी, शैवाल और कवक। क्वेश्चन नंबर 23, यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करते हैं तो आपको वहां निम्नलिखित में से किस पादक को प्राकृतिक रूप में उगते हुए देखने की संभावना है? बांज, वांज, बुरुंज, चंदन। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो 23 का होगा ए, केवल एक दो, वांज और बुरुंज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन से कुछ महत्वपूर्ण प्रदूषक हैं जो भारत में इस्पात उद्योग द्वारा मुक्त किए जाते हैं? पहला सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। नीचे दिए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो 24 में होगा डी। 24 में क्या होगा डी, चारों। ठीक, इसमें चारों। आगे बात करते हैं 25 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध भूत जीवन से था? अवंती, गंधार, कौशल, मगध। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो इसमें 25 में होगा सी, तीन और चार, कौशल और मगध। ठीक है, 25 का सी। क्वेश्चन नंबर 26, प्रत्येक वर्ष कतिपय विशिष्ट समुदाय जनजाति पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण मास भर चलने वाले अभियान त्यौहार के दौरान फलदार वृक्षों के पौध का रोपण करते हैं? निम्नलिखित में से कौन से समुदाय जनजाति हैं? तो 26 में होगा बी, गौंड और कोरकू। 26 में बी होगा। क्वेश्चन नंबर 27, विक्रय कर जिसका भुगतान आप कोई टूथपेस्ट खरीदते समय करते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर है? तो 27 में डी, राज्य सरकार द्वारा आरोपित एवं संघित कर। क्वेश्चन नंबर 28, जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है? जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है? नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन पूंजी, प्रारंभिक पूंजी। क्वेश्चन नंबर 29, बारहवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बारहवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखना, तीव्रतर धारणीय एवं ज्यादा समावेशी विकास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किनसे चालू खाता बनता है? व्यापार संतुलन, विदेशी परिसंपत्तियों, आदर्शों का संतुलन, विशेष आहरण अधिकार। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो 30 में सी होगा, एक व्यापार, तीसरा आदेश का संतुलन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, सीमांत स्थायी सुविधा दर तथा निवल मांग और सावधि देताएं पदबंध कभी कभी समाचारों में आते रहते हैं, उनका उपयोग किसके संबंध में किया जाता है? वो आपको याद रखना है बैंक कार्य के, ए ऑप्शन है 31 का। क्वेश्चन नंबर 32, साकार है क्षेत्रों में व्यवसायिक संवाददाताओं की सेवाओं द्वारा लाभार्थियों को कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती हैं? पहला, यह लाभार्थियों को अपने गांव में अपने सहायक और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने योग्य बनाती हैं। दूसरा है, यह ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों को धनराशि जमा करने व आहरण करने योग्य बनाती हैं। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो 32 में सी होगा, दोनों सही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से सांविधिक आरक्षित
आवश्यकताओं के उद्देश्य हैं। पहला, केंद्रीय बैंकों बैंकों द्वारा निर्मित की जा सकने वाली अग्रिम राशियों पर नियंत्रण रखने की क्षमता प्रदान करना। दूसरा है, बैंकों में जनता की जमा राशियों को सुरक्षित व तरल रखना। तीसरा है, व्यावसायिक बैंकों को अत्यधिक लाभ कमाने से रोकना। चौथा है, बैंकों को दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त कोष नकदी रखने को बाध्य करना। नीचे दिए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो 33 में होगा हमारा ए, केवल एक। ठीक है, क्या होगा, केवल एक। आगे क्वेश्चन नंबर है 34। हाल ही में एक जन विद्रोह श्रृंखला जिसे अरब स्प्रिंग कहा गया है मूलतः किस देश से शुरू हुई? तो याद रखना 34 का होगा डी, ट्यूनीशिया। 34 का डी। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, डेनमार्क, जापान, रशियन फेडरेशन, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उपयुक्त में से कौन आर्कटिक काउंसिल के सदस्य हैं? तो आपको याद रखना है 35 में होगा हमारा डी। 35 में क्या होगा, डी, डेनमार्क, रशियन फेडरेशन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36। नीचे दिए निम्नलिखित युगों पर विचार करना है, क्षेत्र जो प्रयास समाचारों में आते हैं और ये देश। 36 का होगा हमारा ए ऑप्शन, केवल एक सही सम्मिलित है, चेचन्या, रशियन फेडरेशन, यही केवल सम्मिलित है। ठीक है, बाकी दोनों गलत है। 36 का ए है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 37। अग्नि फोर पीछे पास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? यह पहला है, यह धरातल से धरातल तक मार करने वाली पिच्छेपास्त है, इसमें केवल द्रव नोदक ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। यह एक टन नाभिकीय वारहेड को 7500 किलोमीटर दूर तक फेंक सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो 37 में ए ऑप्शन, केवल एक सही है, यह धरातल से धरातल तक मार करने वाला पिच्छेपास्त है। क्वेश्चन नंबर 38। कोयला संस्तर, मेथेन और सेल गैस नामक दो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कोयला संस्तर मेथेन कोयला संधियों से निष्कर्षित शुद्ध मेथेन गैस है, जबकि सेल गैस केवल प्रोपेन और ब्यूटेन का एक मिश्रण है जो सूक्ष्म कणिक अवसादी सेलों से निष्कर्षित की जा सकती है। भारत में कोयला संस्तर मेथेन स्रोत बहुतायात में है, किंतु अब तक सेल गैस के स्रोत नहीं पाए गए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखना 38 का होगा डी, 38 का होगा डी, ना तो एक ना ही दो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39। भारत में चांगफा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वे मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में रहते हैं। दूसरा है, वे अच्छी किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरियों को पालते हैं। तीसरा, उन्हें अनुसूचित जातियों की श्रेणी में रखा जाता है। उपयुक्त में से कौन सा सही है कथन? तो याद रखिए 39 का बी है, दो और तीन। वे अच्छी किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरियों को पालते हैं, उन्हें अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40। भारत में ग्वार क्लस्टर बीन का पारंपरिक रूप से सब्जी या पशु आहार के रूप में उपयोग किया जाता है, किंतु हाल ही में इसकी खेती ने महत्व का स्थान प्राप्त किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 40 में बी होगा, इनके बीजों से निर्मित गौण सेल गैस के निष्कर्षण में उपयुक्त होती है। ठीक है, बी ऑप्शन है 40 का। क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से किन में प्रबल भीतियाँ हैं? पहला है, अंडमान
निकोबार द्वीप समूह, दूसरा कच्छ की खाड़ी, तीसरा मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन, चौथा है नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो 41 में होगा हमारा ए। 1, 2, 3 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42। भारत में अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वेदिका कृषि, वनोन्मूलन, उष्णकटिबंधीय जलवायु। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो 42 का भी क्या होगा, 42 का होगा बी, केवल 2, वनोन्मूलन, वनोन्मूलन। ठीक है, 42 का बी। क्वेश्चन नंबर 43। पवनों को मौसमी उत्क्रमण किसका रूपी फिरूपी अभिलक्षण है? तो याद रखना 43 का सी होगा, मानसून जलवायु, 43 में सी। क्वेश्चन नंबर 44। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किससे निर्दिष्ट करता है? तो याद रखना मंदिर रचना शैली से, 44 का सी। क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, बराक, लोहित, सुबनसिरी, उपयुक्त में से कौन अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो 45 में हमारा बी, केवल 2 और 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, ये आर्द्रभूमि है और ये नदियों का संगम है। हरिक आर्द्रभूमि, व्यास और सतलुज का संगम, ये सही है। केवला घना राष्ट्रीय उद्यान, वनास चंबल का संगम, ये गलत है। कोलेरू झील, मुसी और कृष्णा का संगम, ये भी गलत है। तो इसमें होगा केवल 1। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा 46 का। क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय षड्दर्शन का भाग नहीं है पूछ रहा है। तो याद रखना है आपको लोकायत और कपालिक नहीं है, मीमांसा वेदांत है, न्यायिक और वैशेषिक है, शांक और योग है, लेकिन लोकायत और कपालिक नहीं है। सी ऑप्शन होगा 47 का। ठीक है, 47 का सी। क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित युगों पर विचार करना है, ये पहाड़ियां हैं और ये क्षेत्र हैं। कार्डामम पहाड़ियां, कोरोमंडल तट, ये गलत है। कैमूर पहाड़ियां, कोंकण तट, ये भी गलत है, सम्मिलित नहीं है। महादेव पहाड़ियां, मध्य भारत, ये सही है। मैकीर पहाड़ियां, पूर्वोत्तर भारत। तो इसमें क्या होगा, 3 और 4, सी ऑप्शन होगा 48 का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 49। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोध विषय उपबंध है? तो याद रखना है 10वीं अनुसूची, 49 डी। ठीक है, 10वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 50। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक स्थान स्थापना करने में निहित है? तो याद रखना 50 का होगा ए, जैव मंडल निश्चय रिजर्व। ठीक, 50 का ए। क्वेश्चन नंबर 51। टर्की किनके मध्य स्थित है? काला सागर और भूमध्य सागर के। ठीक है, 51 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 52। दक्षिण पूर्व एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर निम्न पर नीचे दिए गए नगरों का सही स्थिति क्रम है? तो दक्षिण से उत्तर, 52, तो इसमें जकार्ता, फिर सिंगापुर, फिर बैंकॉक, हनोई। तो इसमें क्या होगा, सी,
52 का सी ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53। वैश्विक दृष्टिकोण यह है कि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। यदि विश्व मानसून पूर्व औद्योगिक स्तर के से 3 डिग्री सेल्सियस के सेंटीग्रेड के परे बढ़ जाता है तो विश्व पर उसका क्या प्रभाव संभावित असर होगा? तो पहला है, स्थानीय जैवमंडल का एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त। दूसरा, विस्तृत प्रवाल मर्त्यता घटेगी घटित होगी, सभी भूमंडलीय आर्द्रभूमि स्थायी रूप से लुप्त हो जाएंगे। चौथा, अनाजों की खेती विश्व में कहीं भी संभव नहीं होगी। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो 53 का होगा बी, 53 का बी होगा। ठीक है, 1 और 2। स्थलीय जीवन पर एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होगा। दूसरा, विस्तृत प्रवाल मर्त्यता घटित होगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 54। भारत के संपीतिक के नीचे उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय आदर्शोक्ति सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई है? तो याद रखना है, 54 में होगा डी, मुंडक उपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 55। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कहाँ उल्लेखित है? तो ये है राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों में। ठीक, बी ऑप्शन होगा 55 का। क्वेश्चन नंबर 56। एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का क्या लाभ होगा? पहला कथन है, इसमें मृदा के बह जाने की रोकथाम। दूसरा है, देश की बारहमासी नदियों की मौसमी नदियों से जोड़ना। तीसरा है, वर्षा जल संग्रहण तथा भौम जल स्तर का पुनर्वहन। चौथा है, प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्जनन। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है इनमें से। तो 56 में हमारा होगा सी, 56 में क्या होगा सी, 1, 3, 4 क्या होगा, 1, 3, 4 मृदा के बह जाने की रोकथाम, वर्षा जल संग्रहण तथा भौम जल स्तर का पुनर्भरण, प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्जन्म। ठीक, क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन से भारत में योजना से संबंधित है? वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, संघीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, संघीय शहरी विकास मंत्रालय, संसद। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो 57 में क्या होगा सी, सी ऑप्शन होगा 2। क्या होगा सी, 2 और 5 इसमें होगा 2 और 5 कौन कौन सा, राष्ट्रीय विकास परिषद और संसद। ठीक है, बात करते हैं 58 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से कौन से मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य है? पहला कथन है, मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना, मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता, मंत्रालयों को वित्तीय संसाधन का आवंटन। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है इनमें से। तो 58 में होगा सी, 1 और 2 मंत्रिमंडलों की बैठक के लिए कार्यसूची तैयार करना। दूसरा है, मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, संविधानिक सरकार वह है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, कौन सा कथन सही है इनमें से?
तो याद रखना है 59 का होगा बी केवल दो, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियाँ हैं। पहला है भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना, दूसरा है मंत्रियों की नियुक्ति, तीसरा राज्य विधान मंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति की विचार के लिए आरक्षित करना, चौथा राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो 60 में होगा बी 1 और 3, भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना, तीसरा है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 61, किसी अर्थव्यवस्था को में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो सरकार के कर संग्रहण को बढ़ाएगा। ठीक है, 61 का होगा सी हमारा, अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा। किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा, ये ठीक है 61 का सी। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधाजनक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा, दूसरा है भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही प्रधानमंत्री के नाम से ही हुई कही जाएंगी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 62 में केवल एक कथन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है, दूसरा है अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखिए 63 का होगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65, नीम के पेड़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कुछ जाति के कीटों और बरूथियों के पिचू रोगधन भर को नियंत्रित करने के लिए नीम के तेल का प्रयोग कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है, नीम के बीजों का प्रयोग जैव ईंधन और अस्पताल अपमार्जकों का निर्माण करने में होता है, नीम के तेल का अनुपयोग औषधि निर्माण में होता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? याद रखिए 64 में होगा हमारा सी, 1 और 3, 1 और 3 कथन सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है? तो याद रखिए 65 में होगा वी, प्राप्तम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है, बी ऑप्शन होगा 65। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66, किसी व्यक्ति के जीव मितीय पहचान हेतु अंगुली छाप क्रम वीक्षण के अलावा निम्नलिखित में से कौन से प्रयोग में लाया जा सकता है? परितारिका क्रम वीक्षण, दृष्टि पटल, वाक अभिज्ञान। निम्नलिखित में से कूट में सही प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो 66 का होगा डी, 3ों, 66 का डी है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से
कौन सी कथन पौधों के कार्य प्रबंधन के संबंध में सही है? पहला है कार्य प्रबंधन किलोनीय जनसंख्या को उत्पन्न करता है, दूसरा कार्य प्रबंधन विषाणुओं का निष्प्रभावन करने में सहायक, तीसरा कार्य प्रबंधन वर्ष के अधिकतर भाग में चल सकता है। नीचे दिए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है, तो 67 में होगा सी। एक और तीन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अंतरिक्षयान और प्रयोजन। कैसनी हाइगेंस शुक्र की परिक्रमा करना और दत्त का पृथ्वी का संचरण करना सही है? सही नहीं है, ये गलत है, ठीक है। पहला सुमेलित नहीं है। दूसरा है मैसेंजर बुध का मानचित्रण और अन्वेषण, ये सही है। वॉयेजर 1 और 2 बाह्य सौर परिवार के अन्वेषण, ये भी सही है। 2 और 3 सही है, ठीक है। बी ऑप्शन है 68 का, 68 का है बी। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। ये क्षेत्र दिए गए, किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? किन्नौर सुपारी, मेवात आम, कोरोमंडल सोयाबीन, निम्नलिखित में से कौन सा सही है सम्मिलित? तो याद रखिए 69 में होगा डी ऑप्शन, कोई नहीं है इसमें, ठीक है। याद रखिए कोई नहीं है इसमें, डी ऑप्शन है 69 का डी। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन के कार के उदाहरण है? पहला है सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन, बर्फ का गलन, दुग्ध आस्कंदन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है, तो 70 का होगा बी। केवल 3, दुग्ध आस्कंदन। क्वेश्चन नंबर 71, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? 71 का होगा सी, मूल अधिकारिता के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित तकनीकों परिघटनाओं पर विचार कीजिए। पहला है फल वाले पादपों में मुकुलन और रोपण, दूसरा है कोशिका द्रव्य नरबंधता, तीसरा है जीन निर्वरता। उपयुक्त में से कौन से ट्रांसजेनिक फसलों को बनाने में उपयुक्त होता है? तो याद रखिए 72 में होगा हमारा बी, 2 और 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है मक्का का मंड के उत्पादन के लिए उपयोग किया जा सकता है, मक्का से निष्कर्षित तेल और जैव डीजल के लिए फीड स्टॉक हो सकता है, तीसरा है मक्का के प्रयोग से एल्कोहली पेय उत्पन्न किया जा सकता है। उपयुक्त में से कौन सा सही है कथनों में? तो 73 में होगा हमारा डी, तीनों, ठीक है। 73 में तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है? तो याद रखिए 74 का हमारा होगा एक, केकड़ा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किस में निहित है? तो याद रखिए संसद में, 75 का बी। क्वेश्चन नंबर 76, भारत के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए। भद्राचलम, चंदेरी, कांचीपुरम, करनाल, उपयुक्त में से कौन से पारंपरिक साड़ी वस्त्र उत्पादन के लिए सुविख्यात हैं? तो 76 में होगा हमारा बी, 76 में क्या होगा बी, 2 और 3, चंदेरी, कांचीपुरम, ठीक। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये राजमार्ग हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग, इनसे इससे जुड़े शहर।
तो इसमें हमारे 77 में NH4 चेन्नई और हैदराबाद, NH6 मुंबई कोलकाता, NH15 अहमदाबाद और जोधपुर। उपयुक्त में से कौन सा सही सम्मिलित है? तो 77 में होगा, याद रखिए, डी, कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय करारों पर विचार करना है। पहला है खाद्य एवं कृषि हेतु पादप अनुवांशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि। दूसरा है मरुभवन का सामना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमय। तीसरा है विश्व विरासत अभिसमय। उपयुक्त में से कौन से जैव विविधता से संबंधित रखता है? तो याद रखिए 78 में होगा हमारा डी, तीनों। 78 में क्या होगा? डी, तीनों। ठीक, क्वेश्चन नंबर 79। पृथ्वी काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह UNDP तथा यूनेस्को का उपक्रमण है। दूसरा, यह एक आंदोलन है जिसमें प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं। तीसरा, यह जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने वाला आंदोलन है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 79 में होगा हमारा सी, 2 और 3। ठीक है, 79 में हमारा सी होगा। क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? तो याद रखिए डायटम क्रस्टेशियाई हेरिंग, ये ऑप्शन सही है सी का। क्वेश्चन नंबर 81। वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक। बी ऑप्शन है 81 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिनियम में कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया था। क्या है? बी ऑप्शन है 82 का। क्वेश्चन नंबर 83। विख्यात सत्या नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, सत्रिया संगीत नृत्य तथा अभिनय का सम्मिश्रण है। यह असम के वैष्णव की शताब्दियों पुरानी जीवंत परंपरा है। यह तुलसीदास, कबीर और मीराबाई द्वारा रचित भक्ति गीतों के शास्त्रीय रागों तथा तालों पर आधारित है। उपयुक्त कथनों में कौन से सही हैं? तो 83 का हमारा बी होगा, 1 और 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84। शक संबत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? तो 84 में एक 22 मार्च अथवा 21 मार्च, 84 का ए है। क्वेश्चन नंबर 85। भारत की कला व संस्कृति के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। विख्यात मूर्तिशिल्प व स्थल, तो इसमें होगा 85 में सी ऑप्शन होगा, 85 में। कौन सा? 1 और 3 सही है। कौन कौन से सही हैं? 1 और 3। एक कौन सा है? बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा जिसमें ऊपर की ओर अनेक देवी संगीतज्ञ तथा नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए अजंता में।
दूसरा प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु के वराह अवतार के की विशाल प्रतिमा जिसमें वह देवी पृथ्वी को गहरे विक्षुब्ध सागर से उभारते दर्शाया गया है, ये गलत है माउंट आबू, ये गलत है ठीक। और तीसरा है विशाल गोलास्म पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या गंगा अवतरण मामल्लपुरम, ये सही है ठीक है, इसमें क्या है सी ऑप्शन सही है, 85 में सी है। क्वेश्चन नंबर 86, गदर क्या था, गदर क्या था, भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था, ए ऑप्शन सही है 86। क्वेश्चन नंबर 87, भारत की संस्कृति एवं परंपरा के संदर्भ में कलारी पेट्टू क्या है, तो 87 में होगा डी, यह है एक प्राचीन मार्शल कला है और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में जीवंत परंपरा है ठीक। क्वेश्चन नंबर 88, नीचे दिए गए युग्मों पर विचार कीजिए, पहला है गरबा गुजरात, मोहिनीअट्टम उड़ीसा, यक्षगान कर्नाटक, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो 88 में होगा हमारा सी 1 और 3, गरबा गुजरात, यक्षगान कर्नाटक ठीक है, 88 का सी। क्वेश्चन नंबर 89, भारत में बौद्ध इतिहास परंपरा और संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, विख्यात तीर्थ स्थल अवस्थान, तो इसमें 89 में हमारा होगा सी ऑप्शन, क्या होगा सी 1 और 3 सही है, इसमें 1 और 3, टाबू मठ मंदिर संकुल स्फीति घाटी, और तीसरा होगा अलची मंदिर संकुल ए लद्दाख में ठीक है, दूसरा इसमें गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विजय संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है, दूसरा पुष्टि मार्ग के दर्शन को माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो 90 का होगा डी, ना तो 1 और ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 91, मंगा नियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय है, तो याद रखिए पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात, 91 का बी है। क्वेश्चन नंबर 92, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या थी, पहला है इसमें पहला कथन है भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए किसी भी विचार का परित्याग करना, दूसरा है भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, तीसरा है भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है, तो 92 में होगा हमारा ए 1 और 2, भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, और दूसरा होगा भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, फतेहपुर सिकरी का इबादत खाना क्या था, तो याद रखना वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था, सी ऑप्शन है 93 का ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, भारत की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न फसलों के बीज प्रतिस्थापन दरों को बढ़ाने के भविष्य के खाद्य उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है, किंतु इसके अपेक्षाकृत बड़े विस्तृत कार्यक्रम में कार्यान्वयन में क्या बाध्यताएँ आएंगी हैं, तो पहला एक कथन इसमें कोई भी राष्ट्रीय बीज नीति नहीं बनी, दूसरा है निजी क्षेत्र की बीज कंपनियों की उद्यान कृषि फसलों की रोपण सामग्रियों और सब्जियों की गुणवत्ता वाले बीजों की पूर्ति में कोई सहभागिता नहीं है, तीसरा है निम्न मूल उच्च परिमाण वाली फसलों के मामले में गुणवत्ता वाले बीजों के बारे में
मांग पूर्ति अंतराल, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है, तो 94 का होगा हमारा, बी ऑप्शन होगा 94, केवल तीन, केवल तीन क्या होगा। निम्न मूल एवं उच्च परिमाण वाली फसलों के मामले में गुणवत्ता वाले बीजों के बारे में मांग पूर्ति अंतराल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें वन्यजीव अधिनियम 1972 के अधीन घोषित किया गया है। दूसरा है पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र को घोषित करने का प्रयोजन है उन क्षेत्रों में केवल कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं पर प्रतिबंध लगाना, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है, तो इसमें 95 में होगा हमारा डी, ना तो एक और ना ही दो, ठीक है, ना ही एक ना ही दो। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित पर कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड पर्यावरण अधिनियम 1986 के अधीन स्थापित है। दूसरा है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक सांविधिक निकाय है। तीसरा है राष्ट्रीय गंगा नदी दौड़ीन प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है, तो 96 में होगा बी, दो और तीन, 96 का क्या होगा बी। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित यौगिकों पर विचार कीजिए। विटामिन दिए हैं, इनकी हीनता से होने वाले रोग, तो 97, विटामिन ए की कमी से स्कर्वी होता है, सही है। विटामिन डी की कमी से रैकेट्स होता है, ये भी सही है। विटामिन ई राती अंधता नहीं होता है, तो इसमें होगा ए ऑप्शन सही, ठीक, एक और दो सही है, 97 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 98, विभिन्न उत्पादों के विनिर्माण में उद्योग द्वारा प्रयुक्त होने वाली कुछ रासायनिक तत्वों की नैनोकणों के बारे में कुछ चिंता है, क्यों। तो पहला, इसमें कथन, वे पर्यावरण में संचित हो सकते हैं तथा जल और मृदा को संतुलित कर सकते हैं। दूसरा है, वे खाद्य श्रृंखलाओं को में प्रविष्ट हो सकते हैं। तीसरा है, वे मुक्त मूलकों के उत्पादन को विमोचित कर सकते हैं, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है, तो इसमें 98 का होगा डी, एक दो तीनों सही होंगे, 98 का क्या होगा डी। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है, तो 99 में होगा ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, 99 का ए। क्वेश्चन नंबर 100, संघ के बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गैर योजना व्यय के अधीन आता है। पहला रक्षा व्यय, दूसरा ब्याज अदायगी, तीसरा वेतन एवं पेंशन, चौथा उपदान, निम्न नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है, तो 100 का होगा सी, 100 का क्या होगा सी, एक दो तीन चार, ठीक है, चारों होंगे इसमें, ठीक। चलिए, तो ये था हमारा 2014 का प्रारंभिक परीक्षा का फर्स्ट पेपर आईएएस का। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 2015 का प्रारंभिक परीक्षा का पेपर फर्स्ट, ठीक है।